वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ब्लॉग। आज आपकी श्वेता वापस से आई आपके सामने एक बहुत ही टेस्टी सा डेजर्ट लेकर, और वो है गाजर का हलवा। तो आइए, ठंड का मौसम आ गया है, गाजर अच्छे खासे मार्केट में आ चुके हैं, तो आइए हम आज बनाते हैं गाजर का हलवा। आइए देखते हैं गाजर के हलवे के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। ये गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। तो मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, मेरे साथ बने रहिए। तो गाजर के हलवे को बनाने के लिए पहले मैं ले ली हूँ गाजर, इसे अच्छे से धो वॉश कर चुकी हूँ, और वॉश करने के बाद मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, आप देख रहे हैं इस तरह से। और फिर हम एक पैन को गर्म करेंगे। इस पैन में मैं अभी कुछ भी नहीं यूज करूंगी, ना घी ना तेल, और पूरा गाजर इसके अंदर डाल दूंगी ताकि हमारा गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो ले। बस 2-3 मिनट हम इसे यूं ही भुनेंगे ताकि हमारा गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हम गैस के फ्लेम को करेंगे थोड़ा तेज और यूं गाजर को अपने बस जलाएंगे। हमारा गाजर बस सॉफ्ट हो जाए, इसमें जो भी मॉइस्चर होते हैं वो सारा सूख जाना चाहिए इसी के अंदर। बस हम इसकी मॉइस्चर को हटा लेंगे 2-3 मिनट में, जब हमारा पैन गर्म रहेगा 2-3 मिनट के अंदर सारा मॉइस्चर इसका चला जाएगा। दो तीन मिनट हो चुके हैं और हमारे गाजर का सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर। इसी समय में हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने गाजर के अकॉर्डिंग ले, गाजर वैसे भी मीठी होती है, बहुत ज्यादा चीनी डालने की जरूरत नहीं है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपने हलवे को मीठा रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा ही चीनी डालें, और कम खाते हैं तो कम डालें। अब हम इसमें चीनी को मेल्ट करेंगे ताकि गाजर में पूरी तरह से चीनी मिल जाए, और जब चीनी डालते ही हम इसे अच्छे से चलाएंगे, मेल्ट करते ही आप देखेंगे गाजर का कलर बहुत अच्छे से खिल के आएगा। अब हम चीनी के साथ इसे अच्छे से भुनेंगे ताकि चीनी बहुत अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। चीनी वापस से अपना एक चाशनी तैयार करेगी, इसके साथ गर्म होगी और वो अपना एक चाशनी तैयार करेगी। इसमें हमारे गाजर से फिर से पानी जैसा निकल रहा है, वो चीनी का पानी है और बहुत ही अच्छा एक कलर आ गया है। हम चीनी को अच्छे से इसमें मेल्ट करेंगे। ये देखिए हमारा चीनी बहुत ही अच्छे से इसमें घुल चुका है। अब इसी समय में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी घी। देसी घी के बिना तो कोई भी चीज अच्छा नहीं बनता। इस समय में मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। ये मैंने 3-4 चम्मच देसी घी डाल दिया है। फिर मैं इसे थोड़ा चलाऊंगी। घी डालते ही इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। घी का अपना एक टेस्ट होता है, फिर गाजर का टेस्ट, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इससे। दोस्तों गाजर चीनी घी सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप मिल्क। ये मैं दूध इसलिए डाल रही हूँ ताकि चीनी के साथ गाजर जो स्टिकी स्टिकी बहुत हो जाता है वो इससे थोड़ा अलग अलग दिखेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी लाएगा। इसी समय पे मैं इसमें दूध डाल दूंगी और ये इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी इलायची पाउडर। ये मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा हलवा का
हलवे का टेक्सचर बिल्कुल इस तरह का है। अब बहुत ही पूरी तरह से मैं जब तक इसमें दूध पूरा घुल नहीं जाता तब तक ये इस हलवे को हम लोग चलाते रहेंगे और दूध के घुलने का इंतजार करेंगे। दूध पूरा हलवे में मिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें दिखनी नहीं चाहिए कि अलग अलग दूध और गाजर बिल्कुल अलग अलग है। 3 से 4 मिनट में ये दूध हमारा पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा गाजर को, फिर देखते हैं। फिर आप इसे बिल्कुल छोड़े नहीं, चलाती रहे। सो फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूध बहुत अच्छे से गाजर के अंदर अब्सॉर्ब हो चुका है और अब इस समय पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी किशमिश। और अब आप इस समय आप इसमें खोआ हो आपके पास तो आप खोआ डाल सकते हैं, पर मैं डाल रही हूं इसमें मिल्क पाउडर। खोआ खाना थोड़ा डर लगता है कहीं फैट ना बन जाए, अभी सभी लोग हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं तो खोआ से थोड़ा डर लगता है, तो आप मिल्क पाउडर डाल के भी बिल्कुल खोए वाला टेस्ट ले सकते हैं। मैंने डाला इसमें मिल्क पाउडर और इसे मैं करूंगी अच्छे से मिक्स। मिल्क पाउडर से भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल गाढ़ी और टेस्टी सी गाजर का हलवा आपके पास रेडी मिलेगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब आप इसमें मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काजू, बादाम और पिस्ता। अब मैं करूंगी गैस ऑफ और मैं दिखाती हूँ आपको अपने हलवे का टेक्सचर। ये हमारा हलवा रेडी है बिल्कुल, तो आइए करते हैं अब इसकी प्लेट। तो ये रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही टेस्टी सा गाजर का हलवा। आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, थोड़ी देर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आप ठंडा खाना चाहते हैं तो। और देखिए हमारे हलवे का कितना अच्छा कलर आया है, और सच कहूं तो इसमें दूध वाला पाउडर मिलाने से ना फ्रेंड्स टेस्ट ही इसका कुछ और ही बात हो जाता है, बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको अगर हमारे हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे वीडियो को अपना प्यार देते रहें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।